नवसारी शहर में सामाजिक कार्य करती संस्था प्रभाकुंज फाउंडेशन द्वारा देश की आजादी पर्व निमित्ते तिरंगा यात्रा नु आयोजन करायु हतु। सेवाकीय प्रवृत्तियों साथे जुड़ायेली संस्था प्रभाकुंज फाउंडेशन द्वारा तिरंगा यात्रा नु आयोजन करायु हतु। आजादी अमृत महोत्सव की उजवणी में जयरे समग्र देश उत्साह भेर जोड़ायो छे त्यारे नवसारी शहर में ध्वजवंदन बाद तिरंगा यात्रा योजाई हती। आज रोज आजादी अमृत महोत्सव दिवस दरमियान 15 ऑगस्ट दिवसे स्वतंत्र दिवस तरीके प्रभाकुंज फाउंडेशन द्वारा नवसारी शहर में आज ध्वजवंदन कार्यक्रम आयोजन गोठवामां आव्युं हतुं अने तेना संदर्भमां मोटी संख्यामां लोको प्रभागंज शक्ति मुकामे एकत्रित थया हता। ध्वजवंदनना कार्यक्रम पछी तिरंगा रेली यात्रा के जे भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलावी रही छे के भारत सरकार द्वारा तिरंगा रेलीनुं आयोजन जे गोठवामां आव्युं छे तेना संदर्भमां प्रभागंज फाउंडेशन द्वारा पण तिरंगा रेलीनुं आयोजन करवामां आवेल छे अने प्रभागंज शक्ति स्टेशन मुकामेथी लईने फुवारा मुकाम सुधी प्रभागंजनी तिरंगा रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। भारत देशना आजे आज़ादीना 75 वर्ष पूर्ण थता समग्र भारत देश की अंदर आज़ादी अमृत महोत्सव उजवामां आवी रह्यो छे। आ उत्सव निमित्ते अने आ पर्व निमित्ते आज 15 ऑगस्ट रोज प्रभाकुंज शक्ति फाउंडेशन नवसारी द्वारा अने एमना जे प्रमुख जे छे जीरलभाई द्वारा एक सरस ध्वजवंदन कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आवेलुं। आ कार्यक्रम प्रभाकुंज शक्ति फाउंडेशन रायचंद रोड नवसारी खाते योजवामां आवेलुं जेमां मोटी संख्या में लोग उपस्थित रहा था। अने आ ध्वजवंदन कार्यक्रम बाद तिरंगा रेली नुं पण आयोजन करेल हतुं अने ए आयोजन नी अंदर रेली में घणा बधा लोकोए उत्साहभेर भाग लीधो छे अने सौ कोईए अपनी आज़ादी माटे जे कंई शहीदोए जे शहीदी वोरी छे ने जे आपणा वीर शहीदो छे ए लोकोने एक श्रद्धांजलि पण साथे आपवामां आवे छे। अने प्रभाकुंज फाउंडेशन मार्फते वर्ष दरमियान आवा कई ना कोई कार्यक्रमों थता रहे छे अने सारा लोगों ने उपयोगी थाय एवा कार्यक्रमों योजता रहे एवी अभ्यर्थना। आज 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पूरे भारत देश में हम 15 अगस्त का त्यौहार मना रहे हैं। उसके बाबत में तपस्या नारी सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और ऐसे ही हर साल हर घर तिरंगा और हर देशवासी के दिल में देश के लिए प्रेम जागरूक बना रहे। इसी के साथ में आज हम उम्मीद करते हैं कि देश में सभी लोग इस तरह से कार्यक्रम मनाएं, त्यौहार की तरह इस 15 अगस्त के त्यौहार को मनाएं और ऐसे ही हमारे देश में लोगों के प्रति देश में देशभक्ति जागती रहे और हमारे शहीद हुए जवानों के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। कोई भी हमारा जवान शहीद ना हो हम यही उम्मीद करते हैं, देश में सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद। रिपोर्ट एनटीसी न्यूज़ नवसारी।